नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। नई दिल्ली, मशहूर शायर निदा फाजली की आज पुण्यतिथि है। 8 फरवरी 2016 को उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली को शायरी विरासत में मिली थी। उनके घर में उर्दू और फारसी के दीवान संग्रह भरे पड़े थे। उनके पिता भी शेरो शायरी में दिलचस्पी लिया करते थे और उनका अपना काव्य संग्रह भी था, जिसे निदा फाजली अक्सर पढ़ा करते थे। निदा फाजली उनके लेखन का नाम था। गमह आवारा अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहाँ मिलते मिलाते रहिए, अपने लहजे की हिफाजत कीजिए, शेर हो जाते हैं नामालूम भी, कहता है कोई कुछ तो समझता है कोई कुछ, लफ्जों से जुदा हो गए लफ्जों के मानी। निदा का मतलब होता है आवाज, जबकि फाजली कश्मीर के उस इलाके का नाम है जहां से उनका परिवार दिल्ली आकर बसा था। निदा फाजली ने सूरदास की एक कविता से प्रभावित होकर शायर बनने का फैसला किया था। बंटवारे के बाद निदा का पूरा परिवार भारत से पाकिस्तान चला गया था, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया। दोस्तों, हमारी हर न्यूज़ को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।